हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। कोविड-19 की वजह से जहां पूरे देश में लोग परेशान हैं, लोग बेरोजगार हो गए, यहां तक कि लोग खाने को भी तरस गए। इस बड़ी महामारी में फैजाबाद ज़िले के अफाक जी हैं, जो अवध पीपल फोरम संस्था से जुड़े हुए हैं और ये लगातार एक महीने से गरीब दुखियों को खाना पहुंचा रहे हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। आप अभी लोगों को खाना बांटने का काम कर रहे हैं, तो इतना अच्छा काम करने का आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया? नहीं, एक तो ये कि हम लोग एक सामाजिक संस्था है जिसका नाम अवध पीपल्स फोरम है, उसमें युवाओं और बच्चों के साथ शिक्षा और जीवन कला कौशल के मुद्दे पे काम करते रहे। तो पिछले साल जब पहला लॉकडाउन हुआ था, पहली लहर थी कोरोना में, तो हम लोगों ने अपने दोस्तों की मदद से काफ़ी मतलब ज़रूरतमंद लोगों को या प्रवासी मजदूरों को कच्चा राशन वितरित किया था। लेकिन इस बार चूँकि बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ और हमारे खुद के परिवार में भी मतलब डेथ हुआ, तो मतलब उस दुख दर्द के कारण हम लोग उभर नहीं पाए और शुरू में कुछ नहीं कर पाए। लेकिन बाद में हम लोग एक दिन रात को ऐसे घूमते हुए स्टेशन की तरफ गए थे लॉकडाउन में, और बहुत सारे लोग हमें सड़क पर सोते हुए दिए और दुकानें तो एकदम बंद थी, तो उस रात को ख्याल आया। और कोई उस रात में खाना देने भी आया था, एक ग्रुप कोई था, मतलब घर से ही बना हुआ ला के वो लोगों को जगा के दे रहे थे। तो उनको देख के लगा यार इनको रात को भी खाना देना, तो इनको दिन में ज़रूरत होगी। तो फिर हम लोगों ने अपने दोस्तों में आपस में बात की, अपने टीम के साथियों के साथ, कि क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और लगभग शुरू में 20-25 घरों में बातचीत हुई कि सब, किसी ने कहा एक पैकेट हम दे सकते हैं, किसी ने कहा दो पैकेट दे सकते हैं, और इस तरह से मतलब बस थोड़ी सी बातचीत में ही ये काम शुरू हो गया। इसमें लगभग 8 से 10 लोग हैं जो रेगुलर काम करते थे कोरोना से पहले। अभी 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 इसमें 6 लोगों की एक टीम है और 8-10 लोग हमारे वॉलंटियर हैं। तो कैसे, हाँ, तो ये जो 6-7 लोगों की टीम है और 8-10 वॉलंटियर हैं, लगभग इन्हीं लोगों के घर से खाना बन के आ रहा है, मतलब खुद बना के दे रहे हैं। और इसमें कुछ हमारे जो सिंपथाइज़र हैं, मतलब टीचर हैं स्कूल में, या जो अवध पीपल फोरम के एक तरह से बोल सकते हैं सलाहकार लोग हैं, वो लोगों ने भी इसमें काफ़ी मदद किया है। तो मतलब ऐसा भी है कि कुछ लोग हैं जो रोज़ाना, मतलब पिछले, जैसे हम लोग तकरीबन आज हमारा 24वां दिन है, तो इस 24 दिन में कुछ ऐसे घर हैं जिन्होंने 2400 दिन खाना दिया है, कुछ ऐसे घर हैं जिन्होंने 10 दिन दिया है, कुछ ऐसे घर हैं जिन्होंने 5 दिन दिया है, या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 दिन दिया लेकिन 20 पैकेट बना के दिया। तो अलग अलग कैटेगरी है, जिसको जो भी चीज़ पसंद आती है। थोड़ा हम लोग के एक टीम के साथी हैं, आशीष हैं, सुबह उठ के वो एक बार 9-10 बजे तक कंफर्म करते हैं कि भाई कौन लोग आज देंगे, कितना देंगे, ताकि वेस्टेज ना जाने पाए। आपको खाना दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, आपको पता है? हाँ, एक दो बार मिला है। कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। क्या काम करते हैं आप? यही रिक्शा ही चलाते हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? हम तो बेटा बहुत दूर का रहने वाले, रुदौली के आगे के। अच्छा, क्या करती हैं? मांगते खाते हैं। तो आपको खाना के पैकेट आप फेंक दिए द्वारा मिला है, कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। रोज मिलता है? रोज मिलता है। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, हमारा काम हो गया ठीक। और आप खाना बांटने का काम कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं? काफ़ी, 1-1.5 महीना तो हो गया। कोई संस्था से कर रहे हैं, मतलब कोई संस्था जुड़े हैं? जी, अवध पीपल फोरम। जो आप खाना बांट रहे हैं लोगों को, आप अकेले करते हैं या आपके साथ हैं लोग? इसमें मतलब एक इरशाद अहमद है, मतलब मेरे साथी हैं वो, और एक आशीष हैं, दीपक हैं, बंटी भी हैं। क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों का उद्देश्य क्या है? बस यही उद्देश्य है कि मतलब कोई एक, मतलब कोई भूखा ना रहे। ये कोविड-19 में जैसे लोग बोलते थे कि मतलब हर चीज़ से दिक्कत है और बीमारी कैसे भी फैल रही है, लेकिन जो भूखा है उसको तो कुछ भी मिलेगा तो वो खा लेगा। तो मान लीजिए हम लोग किसी दिन 30 पैकेट लेके, तो हमेशा ही लगा कि यार 32 होता तो अच्छा होता। तो राहगीर भी लेते हैं खाना, ट्रेन से उतरने वाले भी लेते हैं, क्योंकि ट्रेन में भी, स्टेशन पे भी सब कैंटीन वगैरह बंद है। तो बहुत सारे ऐसे लोग, अच्छे परिवारों के लोग भी खाना लेते हैं। रिक्शे वालों को नहीं मिल रहा कुछ खाने को, लॉकडाउन में नहीं मिल रहा, लेकिन रिक्शा चल रहा था। तो जो, और दुआ भी बहुत देते हैं लोग कि भैया कल आइएगा, फिर से हमें देखिएगा, हम यहीं आसपास रहते हैं। तो जिसको, जैसे मैं ही किसी अजनबी शहर में और कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा, अगर होटल बंद है, तो कोई भी एक डब्बा देगा तो कोई भी लेने से उसको एतराज़ नहीं करता। खाने में देखो, एक तो खाने में हम लोग कोशिश ये की है कि खाने में कोई स्पेशल चीज़ नहीं, जो व्यक्ति अपने घर में खाने के लिए बना रहा है, कोशिश ये होती कि सूखी हो, सूखी सब्ज़ी रोटी हो, सूखी पूड़ी सब्ज़ी हो, या तहाड़ी हो गई, या मटर पुलाव हो, या सोयाबीन का पुलाव हो गया, जो चीज़ गिरे ना, मतलब गीला ना सामान हो, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद भी अपने घर में, मतलब जिस दिन हमारा नंबर होता है, तो 10-12 पैकेट में, मतलब हम लोग, हम, मैं और मेरी वाइफ या मेरे बच्चे मिलकर ये बनाते हैं। तो कोई लक्ष्य था कि एक दिन में हम इतना
मतलब हम ये सोच के रखते हैं कि मतलब कम से कम 30 तो होना चाहिए और मैक्सिमम 50 से ज़्यादा नहीं रखेंगे, तो 30 तक अभी तक मिनिमम चलना है मामला और मैक्सिमम 50 तक। आप हमारे खबर ले रहे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो यही है कि मतलब एक तो ये कि ये थोड़ा विपरीत समय, मतलब पिछले 1.5 साल से पूरी दुनिया एक आपातकालिक स्थिति में है, कभी लॉकडाउन लग जाता है या अनलॉक हो जाता है फिर ओपन हो जाता है, और लोगों ने बहुत बहुत मतलब मृत्यु देखी और अस्पताल से लोग डर गए, डॉक्टर्स लोग डर गए, तो ये मुझे मेरा मानना है कि ये डरने से कुछ काम नहीं चलेगा, आपको पॉजिटिव सोच लेनी पड़ेगी और एक जो मतलब मानव का या नागरिक का एक दायित्व होता है, क्योंकि इस समाज को और इस दुनिया को बनाने में हमारी भूमिका होती है, तो एक पॉजिटिव सोच रखने वाला या वैज्ञानिक सोच रखने वाला व्यक्ति हमेशा ही जब भी कुछ विपरीत या दुखद समय आएगा तो उसमें पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आगे बढ़ के काम करने का सोचेगा, क्योंकि अगर आप दुख में ही, हम लोग बोलते हैं ना दुख में ही मुतला हो गए तो दुख ही लेके जाएंगे, लेकिन अगर आप पॉजिटिव चीज़ें रखेंगे कि भाई नहीं आगे का समय अच्छा होगा, तो फिर वो अच्छा कौन होगा? आपको खुद बनाना है, वो अच्छा कोई आपके लिए बनाएगा नहीं, तो अच्छा कैसे बनाएंगे वो भी आपको करना है, उसके लिए आपको योजना भी बनानी है और फिर पहल भी लेनी है, तो अपनी दुनिया को बनाने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए आपको खुद आगे आके जद्दोजहद करना पड़ेगा। तो हमारी अवध पीपल्स फोरम की टीम और जो उसके नौजवान युवा साथी हैं उन्होंने इसको बखूबी समझा और समझने में मतलब स्वास्थ्य के मुद्दे पे भी खड़े हुए, अगर भोजन संबंधी जो हम लोगों ने काम किया उसमें भी खड़े हुए, और अब ऑनलाइन लोगों को पढ़ाना सिखाना इस तरह के काम में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।